अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बीफ कोरमा तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बीफ कोरमा तैयार हो चुका हुआ है। आइए देखते हैं बीफ कोरमे को किस तरह तैयार किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे बीफ कोरमा। उसके लिए हमने बीफ का गोश्त लिया है तकरीबन 1 kg के करीब। दोस्तों हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें 200 ग्राम के करीब घी डालेंगे, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और उसको 1 मिनट के करीब फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 kg बीफ का गोश्त डालेंगे। और इसको 5 से 6 मिनट अच्छी तरह फ्राई करेंगे। गोश्त को हमने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। अब हम 2 तेज़पत्ते डालेंगे, 2 बड़ी इलायची डालेंगे, 4-5 लौंग डालेंगे, 3 के करीब छोटी इलायची डालेंगे, 4 के करीब दालचीनी के टुकड़े डालेंगे, जलबत्री डालेंगे 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच ही काली मिर्च साबुत डालेंगे। अब हम इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। अब इसमें 200 ml वाटर डाल देंगे और प्रेशर कुकर लगा देंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए। हमने प्रेशर कुकर में से गोश्त को निकाल लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच ही लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, खुशक धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, 1 चम्मच कोरमा मसाला डालेंगे। अब इसको 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। हाफ कप दही डालेंगे। हाफ चम्मच हम पेपरिका पाउडर डालेंगे। हमने फ्राई किया हुआ प्याज उसको अच्छी तरह ग्राइंड करके इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह फ्राई करेंगे। दोस्तों हमारा बीफ कोरमा तैयार हो चुका हुआ है, अब हम इसको नीचे उतार लेंगे। दोस्तों हमारा बीफ कोरमा तैयार हो चुका हुआ है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो टाइम पे मिलती रहे। अपना और अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।